सनसेटी में चीप दे रहा है अपनी स्पीच, और इस स्पीच को देखने के लिए सुनने के लिए भी आए हैं बहुत सारे लोग, और इसकी सिक्योरिटी बहुत ही खतरनाक है। गाइस आपने सभी ने तो देख ही लिया आज टीवी में क्या न्यूज़ आ रही है। चीप को मैंने बोला था कि वो ऐसी स्पीच दे, क्योंकि मेरे को आज लग रहा शहर में कुछ खतरा आने वाला है, इसीलिए मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली। अरे नहीं, मेरी शील्ड रह गई थी ना, मैंने शील्ड तो बनाई नहीं, इसीलिए मैंने पूरी तैयारी कर ली। फिर भी तब फिर अब क्या करें। हाँ तो भाई शिनचैन तेरा क्या कहना है इस बात पे? हे ओम भैया, मेरे को तो कुछ नहीं कहना। वैसे ओम भैया वहाँ पर सिक्योरिटी तो बहुत टाइट होगी। हाँ शिनचैन, वैसे वहाँ तो सिक्योरिटी तो बहुत टाइट है। फिलहाल चीफ को मैंने बोल के रखा था ऐसी करना है, तो फिर गाइज अभी तो फिलहाल मैं वही चल रहा हूँ, और वो ना बहुत ही शानदार सी जगह है, बहुत ही शानदार सी जगह। उस जगह में ना मतलब कि ना कुछ भी मस्त। अरे गाइज अभी मेरे को ना काम याद आ गया था, इसलिए मैं वापस से घर से आ रहा था अपने पुराने घर से। और घोड़े लोग तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग को तो मार रही और सही में मर गए। भाग जाओ मर गए तो सही में। चलो हम लोग चीफ के पास वापस चलते हैं। मैं अभी यहाँ से आ रहा था, ये वाले घर से मैं भी आ रहा था अभी, और ये रहा चीफ का वो। और गाइस ये वाली जहाँ चीफ कर रहा है स्पीच अपनी, और इस जगह ना लिटरली एक फोर्स भी नहीं है। पानी में जाके दिखाता हूँ, भीग जाऊँगा पर देखो एक भी फोर्स नहीं है, पूरी जगह एक भी फोर्स नहीं है। यहाँ पर पूरे ना ऐसे खड़े हैं बस। अगर इसमें गिरने का खतरा रहता है, पर उतना नहीं होता गिरने का खतरा। एक मिनट, मैंने को जहाँ तक मालूम था यहाँ पर चीफ के अलावा एक और आदमी भी था, पर यहाँ तो और कोई आदमी नहीं है। इनकी चीफ था, यहाँ पर दो आदमी थे। इससे पूछता हूँ मैं, ऐ सुन तो, अरे भाई से बताइए चीफ कहाँ है? मेरे को भी नहीं पता चीफ कहाँ चले गया। अरे भाई ये भी गाइस बोल रहा है इसको भी नहीं मालूम चीफ कहाँ चले गया। भैया एक और नई आफत आ गई ना, मैं क्या करूँ यार ये आफत, चीफ किडनैप हो गया। मेरे को आयरन मैन के कॉल को लगाना पड़ेगा। गाइस हाँ मैंने एक स्मार्ट वॉच ली है, तो मैं उससे पता लगाता हूँ। हेलो आयरन मैन। हाँ ओम बोलो, बिल्कुल क्या हुआ? आयरन मैन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, चीफ किडनैप हो चुका है। क्या ओम सही में चीफ किडनैप हो गया? हाँ आयरन मैन सही में चीफ किडनैप हो गया। अरे ओम क्या हो गया? अरे आयरन मैन यहाँ पर एक गड्ढा मिल गया, मैं वहीं पर कूद गया गलती से। आयरन मैन तुम जल्दी से आओ। हाँ ओम मैं भी आ रहा हूँ। हाँ ओम बोलो क्या हुआ? मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ, अब मेरे को मालूम नहीं यहाँ पर क्या जगह है। गाइस मैं अभी ये क्या देख रहा हूँ, आयरन मैन चलो तुम चलते हैं। हाँ ओम चलते हैं। अरे अरे ओम भैया ये कौन सी जगह है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ शिनचैन मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। गाइस अच्छा है, लेकिन वैसे मैंने अपना वो खतरनाक वाला सूट पहन लिया है। आयरन मैन तुमने भी अपना सूट पहन लिया ना? हाँ ओम मैंने भी अपना सूट पहन लिया है। तो गाइस अब हम लोगों को पार्कोर करना पड़ेगा। वैसे इसमें फायर प्रोटेक्शन तो लगा है, फिर भी मैं को थोड़ा डरना पड़ेगा। वैसे मैं पार्कोर रेस चैंपियन हूँ, मेरे को पार्कोर अच्छे से आती है। वैसे इतना कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएगा, मेरे पास कुछ है क्या? सामान भी नहीं है, मैं क्या खाऊँगा? अरे यार मेरा डैमेज लेना कम हो जाए। हाँ बंद हो गया। तो गाइस अभी मेरे को अच्छे से चलना पड़ेगा फिर से। नहीं अरे यार चीफ तेरे को बताने आया हूँ, ये मैं इधर चल गया था। नहीं अरे मेरी हेल्थ बूटा ना, मेरी हेल्थ बूटा। वो गाइस मेरी हेल्थ बच गई मुश्किल से। फिलहाल मेरे को उसको तोड़ना पड़ेगा भाई। अरे तुम, अरे दो लोग हैं मतलब वहाँ असलियत में तीन लोग थे। देखो तुम लोग ना आगे में चले मत जाना। अरे तू चीफ है कि तू चीफ है? अच्छा तक ये चीफ, मेरे चीफ और चीफ है, कैसे हो इसको ना चीफ जरा तू। ओ भाई मैं जल्दी से ऊपर भाग रहा हूँ। ओ गाइस मेरी हेल्थ बहुत कम है, सबसे पहले तो मेरे को खाना चाहिए। चीफ को तो मैंने उसके घर में छोड़ दिया, पर मैंने कुछ नहीं खाया। और वहाँ पर बकरी मैं बकरी को खाऊंगा। अरे बकरी रुक जा। ओ चलो मैं उसको खा लेता हूँ। वो बहुत भूख लग रही थी, हेल्थ भी बहुत डाउन है गाइस मेरी। चलो खा लिया मैंने। और गाइस भाई चीफ की नैप हो गई, ये बात मेरे को थोड़ी हजम नहीं हुई। वैसे हजम में कोई खाने की बात नहीं है जो हजम हो गया। आज की गई चीफ की ना पूरा प्लानिंग ही खराब हो गई। अरे यार रात हो गई, मेरे को अपने घर जाना पड़ेगा। चलो आज नए घर में नहीं, अपने आज पुराने घर में सोऊंगा। अब मेरे को ना पहले सो के आता हूँ मैं। वो गाइस अभी सुबह हो चुकी है, और मैं वो बात बताना चाहता हूँ। शिनचैन तू ही बताइए। हे गाइस वो बात ये है कि हम लोगों की एक सीक्रेट लैब है, जो कि हम सिर्फ
हम लोगों को पता है, और वो लैब से अपनी सिटी की सब चीज़ कंट्रोल होती है। अगर वो चीज़ किसी को भी मालूम नहीं चली है, सिर्फ हम लोगों को मालूम चली है, हम लोग और एवेंजर्स को। इसीलिए अब हम लोग ये बात को किसी को बताते नहीं हैं, पर आपको हम लोग बता रहे हैं, इस बात को किसी को मत बताइएगा। और वो जगह है ओम भैया के पुराने घर में। चलो शिनचैन, हम लोग अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ गाइस। सब शिनचैन ने हमको बता दिया क्या था। तो ये रहा वो जगह, यहाँ पर लेडर की बिल्कुल भी कुछ वो सब नहीं है। तो इसीलिए अब इसमें यहाँ पर थोड़ा डरने की बात है, डैमेज बहुत है। तो गाइस ये रही वो चीज़, इसको भी एक्टिवेट नहीं है ना, क्योंकि अगर ये एक्टिवेट हो जाती है तो फिर हम लोग ये बस एक किसी सेफ्टी के लिए एक्टिवेट करने के लिए। अगर कुछ बहुत मुश्किल चीज़ हो रही है ना, तो यहाँ से हम लोग इसको एक्टिवेट करके गाइस यहाँ पर हम लोग बम लगा के हम लोग अटैक कर सकते हैं। हाँ, पर इसमें थोड़ा रिस्क है, क्योंकि उससे सिटी भी फूट सकती है, इसलिए हम लोग इसको अनएक्टिवेट रखते हैं। और ये हमारा कुछ ब्रूइंग एरिया, तो फिर यहाँ पर हम लोग पोशन और केमिकल की रिसर्च करते हैं। अब आयरन मैन यहाँ पर हमेशा रिसर्च करने आता है, उसको कुछ मिला था अभी, उसने बताया मेरे को। आयरन मैन तुम बोलो, तुम्हें क्या मिला था? गाइस मेरे को मिला था एक वायरस मिला था, और ये वायरस गलती से यहीं से छूट गया, और वो वायरस बहुत खतरनाक था। वैसे एक प्रकार से वो वायरस नहीं, एक हमारा एक एलियन प्रजाति की चीज थी। यस, एलियन प्रजाति की चीज थी, और वो गलती से छूट गया, मतलब कि चीफ के गायब होने के सामने इसी का हाथ है, और वो साथ किसी की बॉडी में घुस गया। इसी वजह से चीफ को किसी ने उठा के ले। अब इससे हम लोगों को पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। तो गाइस आप देख सकते हैं आयरन मैन ने अभी क्या कहा, इसीलिए ना ये भी थोड़ी रिस्क लेने की बात है। चलो मैं अभी ऊपर जाता हूँ, और मैं ऊपर कैसे जाऊँ? आ रहा है, ऊपर का दरवाज़ा बंद नहीं करना था, गलती से ऊपर का गाइस दरवाज़ा बंद कर दिया। चलो मैं ऊपर चल रहा हूँ जल्दी से। तो गाइस मैं फ़िलहाल तो अभी ऊपर आ गया हूँ, तब फिर गाइस अभी इनको कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।